ए गाइज हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टी प्रिंस। सो गाइज आज की वीडियो में हम लोग जो है मेरिट लिस्ट जानने वाले हैं जो कि जारी किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे तीन ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरिट लिस्ट आया हुआ है जिसका कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले तो हो गया रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला है, यहाँ से जारी किया गया है, ठीक है। दूसरा आपका जो है DRDO से, ठीक है, DRDO का जो DRDL डिपार्टमेंट है, DRDL डिपार्टमेंट, यहाँ से जो है मेरिट लिस्ट जो है निकाला गया है, आई मीन जो कि DV के लिए कॉल किया गया। और तीसरा देखिए, तीसरा जो है आपका WCR मतलब कि RRC WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो है जो आपका ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, WCR का। तो इसका मैंने आपको वीडियो भी दिया था और बताया था कि 22 मार्च को भी बुलाया गया है और एक कैंडिडेट को फिर से यहाँ देखिए 23 मार्च को भी बुलाया गया। तो इस तरह से अलग अलग डेट्स में जो है मेल आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, इन दोनों का एक्चुअली मेरे पास मेल नहीं है, आप लोग जो है मुझे मेल कर सकते हैं ITIBrains, ठीक है, ITIBrains1@gmail.com पे आप मुझे मेल फॉरवर्ड अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है DRDO का DRDL डिपार्टमेंट से भी जो है आपका जो है DV के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये जो है 15 मार्च का शायद इसमें डेट है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपना मेल जरूर चेक कीजिएगा DRDL का, जो DRDO ने जिसने फॉर्म भरा था, मैंने अपने चैनल पे आपको अपडेट दिया था जब फॉर्म आया था, तो उस टाइम आप लोग को अलर्ट भी किया था DRDL। बहुत बच्चों ने वीडियो देखा भी था, फॉर्म भी भरा था। WCR का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, साथ साथ मेरिट लिस्ट आया है, सारा अपडेट आप लोग को दिए हैं। और फिर 22 तारीख को जो आया था उसमें क्या क्या लेके जाना है वो भी आप लोग को बताए थे। वो जो है आपको कोटा में वहाँ पे रिपोर्ट करना था, लेकिन ये जो 23 वाला है यहाँ पे जो कि कोपा ट्रेड का निकाला गया है, COPA कोपा का, उसको आपको रिपोर्ट करना है, यहाँ जबलपुर में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो मेल में सारी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास मेल अवेलेबल नहीं इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग इसमें मेल मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं और कोई भी अपडेट्स जो भी आपको आता है। देखिए हम लोग इसमें बात कर ले थोड़ा बहुत कि जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का जो वैकेंसी निकाला गया था, जो कि मैंने आपको चैनल पे अपडेट भी दिया था कि वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का आया हुआ है वो, तो इस पर हम लोग थोड़ा बहुत इसका ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ये 21 से लेकर के 22 तारीख तक होने वाला है, सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। और कहाँ रिपोर्टिंग करना है, तो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर TTC रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में आपको जो है यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या लेकर के जाना है, एक तो अटेस्टेड कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाना है, जहाँ कि आपको एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट करा लेना है, हार्ड कॉपी ले लेना है। साथ ही साथ यहाँ 10th का जो है सर्टिफिकेट ले लेना है, ITI का जो है NCVT सर्टिफिकेट लेना है, NTC सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी ले लीजिएगा, काउंसलेटर मार्कशीट भी ले लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आपने फीस जो भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था उसका मतलब प्रूफ ले लेना है फीस पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जो कराया है वो ले लेना है सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, हैंडीकैप पर्सन वाले जो हैं अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन वाले ले लेंगे, फिर आधार कार्ड, फिर वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब ले लीजिएगा, और 2 फोटो ले लेना है आपको जो फॉर्म भरे थे वो ले लीजिएगा, ठीक है। 1.5 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया है, सीट जितने थे तो गए जहाँ बहुत ज़्यादा तो सीट नहीं था, 56 जो है सीट मात्र यहाँ पे उसके लिए निकाला गया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले भर लिया गया था, उसके बाद फिर जो है जो बचे हुए सीट थे उसके लिए फिर से यहाँ निकाला गया था। देख लीजिए बहुत बच्चों ने भरा भी था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रैवलिंग फीस वगैरह आप लोग को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो है आपको एनेक्सर ए फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का, तो वो यहाँ मिल जाएगा। उसका COVID-19 का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग को लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और यहाँ पर देखिए कट ऑफ वगैरह भी सब कुछ जारी किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर पहला सबसे पहले बात कर लें तो ये आपको गाइस जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारा अपडेट्स वहाँ पर सारा PDF वहाँ प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए तो यहाँ पर 21 और 22 तारीख को पहुंचना है जो कि ये कारपेंटर ट्रेड का, देखिए यहाँ कट ऑफ वगैरह सारा देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे OBC कैटेगरी में 86 गया है, फिर यहाँ पे जो है फीमेल वालों के लिए 83 गया है, फिर मेल ST के लिए 71 गया है, फिर ST मेल PWD 70 गया है, ठीक है। उस तरह से RAC का है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, यहाँ कट ऑफ सारा देख पाइएगा आप लोग इस तरह, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख पाइएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात कर ले थोड़ा बहुत, तो देख लीजिए यहाँ पर 97 गया है गाइस, बहुत हेवी कट ऑफ है समझ लीजिए एक तरह से। और उस तरह से यहाँ पे SC का देखिए 88 गया, तो अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। OBC में 89, ITI में मार्क्स भी आ जाता है अच्छा खासा, इस वजह से कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 80-90 है, 92 है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारे आए हुए हैं। अगर बात करूँ मैं
यहाँ पे प्रोविजनल फिटर ट्रेड के लिए तो दिल्ली फिटर ट्रेड में थोड़ा कम है, 51 है, 76 इस तरह से कट ऑफ यहाँ पे है। देन मैसेनिस ट्रेड का भी यहाँ पे देख लीजिए उसी तरह से अलग ट्रेड में, तो देखिए मोटर व्हीकल का है यहाँ पे, नीचे बढ़िएगा तो पेंटर ट्रेड का के लिए ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये फॉर्मेट्स देख लीजिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि आप अपना हॉस्पिटल में बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी सब चीज़ें दी गई हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने कपूरथला का जो भी आया हुआ है मेरिट लिस्ट वो दिखा दिया, कब जाना है बता दिया, वेन्यू बता दिया, कहाँ जाना है टाइम बता दिया, सारा कुछ क्या क्या लेके जाना है सभी कुछ आपको मैंने बता दिया है। और दूसरी बात गाइज़ यहाँ पे DRDO का देख लीजिए, जो कि मैंने आपको बता भी रहा था स्टार्टिंग में बता रहा था कि यहाँ पे DRDL की तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ था, मैंने चैनल पर आपको दिया भी था अपडेट, जो कि 31 मार्च तक अंतिम तिथि थी RCI के लिए भी। यहाँ पर DRDO का बहुत सारा देखिए वैकेंसी आते रहता है, आपको मैं चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए DRDO का RCI डिपार्टमेंट से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाया था बताया था। और यहाँ पे देखिए RCI डिपार्टमेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये भी आया हुआ था, और अभी जो है आप लोग का आया हुआ है किसमें, तो DRDL की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। DRDO का DRDL डिपार्टमेंट का आया हुआ है, जिस बच्चों ने भी फॉर्म भरे थे एक महीना पहले, वो जरूर अपना जो है मेल चेक कीजिएगा और मुझे भी मेल फॉरवर्ड कीजिएगा। उसी तरह से गाइज यहाँ पे देखिए WCR का ज्वाइनिंग जो शुरू हो गया, तो इसका भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, एक दिन पहले ही दिया था। और DRM कोटा में रिपोर्ट करना था 22 मार्च को। ये देखिए ये जो कैंडिडेट थे ब्लैक स्मिथ के थे, ठीक है, तो इनको ब्लैक स्मिथ वाले को रिपोर्ट करना था। उसी तरह से जो है आप लोग को जो है ज्वाइनिंग लेटर के लिए, और भी देखिए हर जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं सभी मैं चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जितनी भी लेटेस्ट खबरें हैं सभी आप लोग को मिलती रहती हैं ITI जॉब अप्रेंटिस से रिलेटेड, ठीक है, चाहे एटलीस्ट चाहे कोई सभी, ठीक है। तो अभी ये जो है आपको ये तो 23 का यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 23 मार्च को भी ज्वाइनिंग है, 22 को भी ज्वाइनिंग है। उसी तरह से अलग अलग डेट्स में लोग बच्चों के मेल्स आए हुए हैं, तो मेल जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मेल में कहाँ जाना है, क्या क्या लेके जाना है, सारा स्पष्ट रूप से दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये वाला वीडियो भी देख लीजिएगा जिनको 22 का है, ठीक है। और जो है आज जो मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ वो 23 का आप लोग को एक्चुअली मैं वहाँ रिपोर्ट करना है, मेल चेक कर लीजिएगा, मेरे पास मेल नहीं इसमें आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगले अपडेट में, फिर से कुछ न्यू अपडेट आता है, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए।